हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक एक्सरसाइज है 1D नंबर सिस्टम्स। चैप्टर का नाम है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हमें डिवाइड करना है एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से। तो देखिए ये सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। सॉल्यूशन 1 में 16√6 को डिवाइड करना है 4√2 से, तो 4 1 जा पर और ये 4 4 जा, तो 4 आ गया और √6 और बाय में √2 है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और कट रही है जो वैल्यू काट देते हैं, आपको 3 मिला, 4 और स्क्वेयर रूट में 3, 4√3, ये आपका आंसर नंबर 1 रहा। अब सेकंड के अंदर 12√5 नहीं है, 15 है, को डिवाइड करना है 4√3 से, 4 की टेबल पर ये 3 जा पर गया और 3√15 को आप और डिवाइड करना है 3 से, क्योंकि दोनों में ही स्क्वेयर रूट है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, 3√, अब ये 3 से ये 15 कट रहा है, आपको 5 मिला, तो 3√5, ये आपका आंसर रहा। अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर 18√21 मिला हुआ है, 18√21, इसको डिवाइड करना है 6√7 से। ठीक, 6 से 18 कट रहा है, 6 3 18, और अब अंदर क्या बचा, इसको हम लिख सकते हैं 21 बाय में 7, 7 से मतलब 7 से 21 कट रहा है 3 पर, आपको मिला 3√3, ये आपका आंसर रहा। क्लियर है, गुड। तो होप सो आपको अच्छे से सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर करना है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट के लिए मैं आपको कह ही चुका हूँ, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।